बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का खौफ, अतीक के खौफ से थर्राया जेल प्रशासन। बरेली की सेंट्रल जेल में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का खौफ, अतीक के खौफ से थर्राया जेल प्रशासन। दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए जेल अधीक्षक बेलिखा पत्र। देवरिया से बरेली जिला जेल में शिफ्ट हुए बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। जेल प्रशासन अतीक के खौफ से ठारुर्य हुआ है। आलम यह है कि जिला जेल अधीक्षक ने DMSSP को पत्र लिखकर अतीक अहमद को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। जिला जेल अधीक्षक के पत्र से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जिस वजह से आज पुलिस प्रशासन के आला अफसरों ने कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ जिला जेल में छापेमारी की। शायद आज से पहले कभी आपने किसी पुलिस अफसर को इतना खौफजदा देखा होगा। लेकिन बरेली जिला जेल के अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा इन दिनों दहशत में है, जिस वजह से उन्होंने DMSSP को पत्र लिखकर बाहुबली सांसद अतीक अहमद को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा का कहना है कि अतीक के आने से हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। उसके आने से पब्लिक और बंदियों में कोई भी न हो, उसके लिए हमें सुरक्षा बढ़ानी होगी। अतीक के आने से जेल महकमे में असुरक्षा का भी है। उन्होंने कहा कि अतीक को देवरिया से जिस वजह से बरेली शिफ्ट किया गया है, हम चाहते हैं ऐसा यहाँ न हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जेल ग्रामीण इलाके में है, इसलिए हम चाहते हैं कि अतीक को किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए। उदय प्रताप मिश्रा, जेल अधीक्षक, जेल कारागार बरेली। जेल अधीक्षक के पत्र के बाद आनन फानन में SP सिटी, SP ग्रामीण, ADM प्रशासन ने चार थानों की फोर्स के साथ जिला जेल में छापे मारी की। खासतौर पर बैरक नंबर 98 की गहनता से जांच की गई। दरअसल बैरक नंबर 98 में ही बाहुबली अतीक अहमद को रखा गया है। अतीक अहमद के एक एक सामान की खुलवाकर जांच की गई, उनके कपड़े, अटैची, बिस्तर को भी चेक किया गया। हालांकि जांच के दौरान अफसरों के हाथ कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। ADM प्रशासन राम सेवक द्विवेदी ने बताया कि उनके साथ बैरक नंबर 98 में 9 लोग बंद है। SP ग्रामीण संसार सिंह ने बताया कि उन्होंने भी अतीक अहमद की तलाशी ली और अतीक से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि बैरक नंबर 98 की विशेष चेकिंग की गई। राम सेवक द्विवेदी, ADM प्रशासन। वही अतीक अहमद के बरेली जिला जेल में शिफ्ट होने के बाद इस बात की शंका है कि अतीक के गुर्गे किराए पर माकन लेकर रह सकते हैं, इसलिए जिले में नए किराएदारों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा खुफिया विभाग भी नजर बनाए हुए हैं। SP सिटी अभिनंदन सिंह ने बताया कि इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं कोई फर्जी तरीके से अपने आप को अरेस्ट न करा ले कि वो अतीक को मदद कर सके। उन्होंने बताया कि जो लोग अतीक से मिले करने आ रहे हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। अभिनंदन सिंह, SP सिटी। गौरतलब है कि नए साल के पहले दिन ही अतीक को देवरिया जेल से बरेली की जिला जेल में शिफ्ट किया गया था। तभी से जेल महकमे में असुरक्षा का भी है। दरअसल अतीक जिस दिन बरेली जेल पहुंचा था तो जेल में अंदर जाने से मना किए जाने पर उसने दबगई दिखाते हुए जेल कर्मियों को हड़का दिया था और कहा था कि क्या ड्रामा है। देवरिया जेल में तो उसने अपना तांडव मचा ही रखा था। वहां उसने लखनऊ के एक बिल्डर को मारा पीटा था। उसी वजह से जेल प्रशासन अतीक के खौफ से थर्रा रहा है। हम लोग रूटीन वे में औचक निरीक्षण करते हैं जेल का, और जब भी निरीक्षण करते हैं तो हम लोग काफी फोर्स के साथ वहां जाते हैं, तो इससे एक डिटरेंस इफेक्ट भी क्रिएट होता है और उसके अलावा सिक्योरिटी भी इंश्योर्ड होती है जो फोर्स उसकी चेकिंग करते रहती है। तो उसी सिलसिले में आज भी हम लोग सभी ADM साहब के साथ, SPRA साहब के साथ सभी लोगों ने निरीक्षण किया जेल का। क्या कुछ निकल के आया है अभी? नहीं, इसमें कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ निकल के नहीं आई। हम लोगों ने काफ़ी सारी बैरकों का निरीक्षण किया है, कहीं भी कोई भी अनवांटेड चीज़ निकल के नहीं आई। अतीक यहाँ पर बंदी है तो अतीक की जो गुर्गे हैं उनको लेकर किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या किराएदारों का वेरिफिकेशन आप रोक में सकते हैं? देखिए, इस तरह के इनपुट हमें मिलते रहते हैं, तो उस संबंध में हम लोगों ने लोकल पुलिस को, हर थाने को अलर्ट कर दिया है कि कहीं कोई अचानक से किराएदारों की संख्या बढ़ रही हो, कुछ लोगों ने जो अचानक से किराए पे मकान लिए हों उनकी भी चेकिंग कराई जा रही है। इस चीज़ को भी इंश्योर किया जा रहा है कि कोई फर्जी तरीके से अपने आप को अरेस्ट ना करा ले, ताकि कहीं किसी तरह से मदद पहुंचाया जाए अनवांटेड तरीके से जेल में। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। किस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, लोग कैसे क्या बाहर रह सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई अभी तक सूचनाएँ नहीं मिली हैं। जो सूचनाएँ हैं वो हम लोगों को गुप्त रूप से मिलती हैं, ताकि हम लोग उस पर नज़र बनाए रखें। ऐसी अब तक कोई टेक्निकल या कोई पर्टिकुलर कोई सूचना इस तरह की नहीं मिली है। मिलाई भी आ रहे हैं कि उनके भी नज़र रखी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, उन पर भी नज़र रखने वास्ते क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है जेल परिसर की या जिले के आसपास संवेदनशील इलाकों? नहीं नहीं, सुरक्षा हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, जनरल सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो है, और उस संबंध में कोई इस तरह के हम लोगों ने स्पेसिफिक कदम नहीं उठाए, बट सबको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। रूटीन में जब प्रशासनिक आधार पर कोई बंदी आता है तो अपरेंटली हम उसको अलग रखते हैं, वाच करते हैं, जेल की जो सिक्योरिटी हमारे पास पहले से है उसका पूरा प्रयोग करके निगरानी में रखते हैं। मैं वही कर रखा हूं,
और ये शेष चीज़ें आप अभी सरप्राइज चेकिंग के बाद आपने बाइट लिया है, जो सक्षम अधिकारी सरप्राइज चेकिंग किए हैं तो आपने सारी चीज़ जानकारी में ले लिया है। एक लेटर भी आपने लिखा था जिला प्रशासन को, क्या क्या वजह थी इसके पीछे? नहीं देखिए देखिए, लेटर ये ऑफिशियल प्रोसेस है और हम किसी के बारे में भी समझते हैं कि हमारे जेल की जो एक रूटीन व्यवस्था है उससे डिफरेंट हमको कुछ करना पड़ेगा, अतिरिक्त करना पड़ेगा, तो हम उसमें प्रयास करते हैं कि ये रूरल एरिया में है हमारा जेल तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहे, और मैंने वही लिखा है। और उसमें फिर हमारा थीम क्या है, प्रोसेस क्या है, तो ये तो ऑफिशियल चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैंने लेटर लिखा है, आपको पता है। अतीक को आप शिफ्ट करवाना चाहते हैं, यहाँ चाहते हैं कि अतीक यहाँ ना रहे? देखिए बिल्कुल हम चाहेंगे कि जब हम बरेली जेल में हैं तो बरेली की पब्लिक, जेल के बंदी जो फुल डिसिप्लिंड हैं, हम अंडर कंट्रोल पहले से किए हुए हैं, एक रूटीन में रह रहे हैं, उसे डिफरेंट कोई आएगा और वो डिफरेंट जो आएगा वो किन्हीं कारणों से आएगा, कुछ परिस्थितियां होंगी जिनके कारण भेजा गया होगा, तो उन परिस्थितियों को वाच करके हमको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। तो हम चाहेंगे कि कहीं और शिफ्ट हो जाए, रूरल एरिया में ये जेल है तो हमारा पूरा रूरल एरिया में जेल अनप्रोटेक्टेड होगा, इसलिए हम चाहेंगे कि कहीं अलग जगह शिफ्ट हो जाए। डोरिया जेल में काफ़ी तांडव किया था इसमें, मैं उस जेल के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा और मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अतीक से बात हुई, क्या कुछ कहा उसने? एक नॉर्मल प्रिजनर के बारे में बात की तरह बात हुई है और कोई ऐसी बात नहीं है जो हम इसमें कहीं स्टेटमेंट में लें। लेकिन जो अन्य कैदी उसके संग बैरक में नौ बंद है, नहीं हम किसी नहीं, ये सूचना आपको है, और यदि बंदी थोड़ा भी हमको संकेत करेंगे तो हम बंदी रिप्लेस भी कर देंगे, और कोई कारण नहीं है कि वो डरे, हम उनके लिए हैं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी कि वो बंदी डरे। ये एसपी आरए एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और पूरी फोर्स के साथ हम लोगों ने जेल का औचक निरीक्षण किया था, बैरक नंबर 98 को देखा गया स्पेशली, और जितने और भी कैदी थे उनको भी देखा गया, और उसमें जो एक कैदी हैं अतीक अहमद उनको भी देखा गया, और जो भी सामान था उनका और एक एक सामान अटैची सारी चीज़ें खुलवा के सबको देखा गया, जो अन्य कैदी थे उनका भी सामान पूरा चेक कराया गया, कहीं कोई ऐसी अवांछनीय चीज़ जो है प्रकाश में नहीं आई। सर चेकिंग के दौरान अतीक अपन ने कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, बार बार चेकिंग हो रही है, परेशान किया जा रहा है? नहीं, इस तरह की बात नहीं आई, केवल चेकिंग की गई, चेकिंग की गई। क्या कहा अतीक अमन ने, क्या कहा आपसे, क्या बात हुई? नहीं, इस तरह की बात नहीं हुई, केवल चेकिंग की गई उनके एक एक सामान का, और साथ में जो और कैदी थे बिस्तर पलट गए और कपड़े हटा के, अटैची के भी सारे सामान वगैरह हटा के सब चीज़ें मतलब चेक की गई सभी के लिए। कुछ डाउट था क्या, कुछ हो सकता है इसके पास? नहीं, औचक चेकिंग थी। कितने लोग और बैरक में हैं अतीक के? 9 लोग और उस बैरक में थे। उनको शिफ्ट करने के लिए प्रशासन ने कोई पत्र लिखा है क्या शासन? इस बारे में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से आप वार्ता करेंगे तब आपको। इससे पहले देवरिया में 8 लोगों के संग और उसने मारपीट की थी अतीक ने, तो जिस तरीके के अन्य कैदी और उसके साथ बंद है तो उनसे कोई बात हुई आपकी, क्या वो ये चीज़ें आप हायर ऑफिसर से क्लियर कर सकते हैं? हम लोग केवल औचक निरीक्षण तक के लिए निर्देशित थे। अतीक के साथ और लोग बंद हैं, उनसे आपकी बात हुई कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई? नहीं, हम लोगों का चेकिंग का उद्देश्य था, जो भी कैदी थे सबको एक एक करके चेक कराया गया, उनके सामान चेक कराए गए, छोटी छोटी चीज जो भी थी चद्दर से लेके सब चीज़ें चेक कराई। बैरक 98 के अलावा और भी चेकिंग की? 98 को सबसे ज़्यादा स्पेशली। और बैरक में कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं मिला हो? ठीक है।